देखिए आप मेरा भाषण सुनिए, जैसे ही मैं कहता हूं चौकीदार, जनता कहती है चोर है। अब मुझे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया आप चौकीदार शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, आप चौकीदार नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप चौकीदार कहते हो जनता कहती है। अब मेरी क्या गलती, मैं तो सिर्फ चौकीदार शब्द प्रयोग करता हूं। अब नरेंद्र मोदी जी भी झिझक के चौकीदार शब्द, मीटिंग में आजकल नरेंद्र मोदी जी भी चौकीदार शब्द नहीं बोलते, क्योंकि गलती से उन्होंने चौकीदार बोल दिया, दूसरे साइड से बीजेपी वालों ने ना शुरू कर दिया चौकीदार। तो अब उनके आपने भाषण देखे होंगे, आजकल क्या होता है, पहले 56 इंच की छाती मित्रों, आज एक तरफ आईना टेलीप्रॉम्प्टर वाला, दूसरी तरफ टेलीप्रॉम्प्टर वाला, उसमें साफ लिखा रहता है मोदी जी, मोदी जी उसमें आप भाषण में गलती से भी रोजगार की बात मत कर देना, नुकसान हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आप गलती से भी 15 लाख की बात बोल मत देना, वो उधर कांग्रेस वालों ने 3,60,000 रुपए देने की बात कर दी है, आपने झूठ बोला था, 15 लाख का झूठ बोला था, वो कांग्रेस वालों ने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है, सच्चाई निकाल ली है, योजना का नाम न्याय योजना, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल। तो नरेंद्र मोदी अब झिझक झिझक के बोलते हैं। मुझे अभी लाइन में किसी ने बोला, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं मिल रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आप अपने भाषण में किसानों की बात करते हैं, आप आज थोड़ी सी बात व्यापारियों की भी कीजिए। और मैं आज किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को मैसेज देना चाहता हूं। देखिए अभी मुझे बताया गया कि इस जिले में नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के कारण 12,000 छोटे बिजनेस बंद हुए। क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से, आपके घर में से पैसा निकाला, नॉर्मल इकोनॉमी चल रही थी, सिस्टम चल रहा था, व्यापार चल रहा था, दुकानें चल रही थी। नरेंद्र मोदी आए, कहते हैं भैया मैं हिंदुस्तान की जनता के घर से, जेब से पैसा निकालकर बड़े उद्योगपतियों के जेब में डालना चाहता हूं। आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको लाइन में खड़ा कर दिया, आप लाइन में खड़े हुए, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, पता लगा नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दे दिए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने, और यह आपको समझनी होगी बात, और खासतौर से जो छोटे दुकानदार व्यापारी लोग हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले लोग हैं, यह आपको समझनी होगी, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और जनता की जेब से पैसा निकाला, जनता के जेब में पैसा नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, जनता ने माल खरीदना बंद किया, माल खरीदना बंद किया, नुकसान किसको हुआ? जनता को हुआ, और किसको हुआ? व्यापारियों को हुआ, आपकी दुकानें बंद हो गई। जैसे ही आपकी दुकानें बंद हुई, जैसे आपकी दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, वैसे हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा भैया फैक्ट्रियों को बंद करो, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा, लोगों के जेब में कुछ पैसा नहीं है, हम फैक्ट्रियों चलाएं, फैक्ट्रियां बंद हुई, फैक्ट्रियों के मालिक ने एक के बाद एक युवाओं को बुलाया, कहा भैया आप घर जाइए, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, दुकानें बंद हो गई, सबका नुकसान हो गया, अब हम फ्री में फैक्ट्री क्यों चलाएं, कोई खरीद ही नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब नरेंद्र मोदी जी के लिए
27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं। चाइना में 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार मिलता है। इसलिए हमने न्याय योजना तैयार की है। न्याय योजना के दो लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा पैसा डालना, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए पांच साल के, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को। मगर सुनिए, और मैं व्यापारियों को कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचिए कि ये न्याय योजना आपके लिए नहीं बनी है। आप ये मत सोचिए कि न्याय, भैया शांत हो जाएं, थोड़ा भाषण करने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि न्याय योजना से व्यापारियों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान के छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले लोग और हिंदुस्तान के व्यापारियों को होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। लाखों करोड़ रुपए डायरेक्ट हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। जैसे ही पैसा जाएगा, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता माल खरीदना शुरू करेगी। शर्ट, पैंट, टी शर्ट, जूता, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, मोबाइल फोन किससे खरीदेगी? हिंदुस्तान के व्यापारियों से खरीदेगी, हिंदुस्तान की दुकानों से खरीदेगी। जैसे ही हिंदुस्तान की दुकानें चालू होंगी, जैसे ही व्यापारियों की दुकानों में फिर से माल बिकना शुरू होगा, झटके से हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही फैक्ट्रियों के मालिक युवाओं को बुलाएंगे, कहेंगे भैया वापस आइए, नोटबंदी को भूलिए, गब्बर सिंह टैक्स को भूलिए, यहां पे माल बिकना शुरू हो गया है, चलिए माल बनाना शुरू कीजिए। कोई मोबाइल फोन बनाएगा, कोई टी शर्ट, कोई पैंट, कोई जूता, कोई साबुन, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था फिर से चालू हो जाएगी। न्याय योजना के पीछे सोच, गरीबों की मदद करना बिल्कुल सही, मगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, व्यापारियों की दुकान, मिडिल साइज स्मॉल साइज बिजनेसेस को जंप स्टार्ट करना। जैसे इंजन में डीजल डाला जाता है, बिना डीजल के इंजन को चालू तो नहीं किया जा सकता ना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गब्बर सिंह टैक्स लगाकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में से डीजल निकाल दिया। अब वो दिन भर वहां अपने कमरे में बैठे चाबी घुमाते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। उनको यह समझ नहीं आ रही कि अर्थव्यवस्था बिना पैसे नहीं चल सकती। आपने पूरा पैसा निकाल दिया, आपने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, पूरा का पूरा पैसा आपने अनिल अंबानी को दे दिया, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ। तो न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चालू करने का पहला कदम, और इससे सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं होगा, व्यापारियों को, स्मॉल मिडिल बिजनेस वालों को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। जिसकी भी आमदनी, यहां जो आदिवासी भाई आए हैं, दलित भाई आए हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, उसके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए जाने वाले हैं, और उस दिन तक जाएंगे जिस दिन तक उस व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम की होगी। जिस दिन उसकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा होगी, उसको न्याय योजना का पैसा नहीं मिलेगा, मगर उस दिन तक न्याय योजना का पैसा हर महीने, हर साल उसके बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। मुझे यहां बहुत पुरुष दिख रहे हैं, थोड़ी महिलाएं दिख रही हैं, मुझसे गुस्सा मत होना, मैं साफ बोल देता हूं, न्याय योजना का पैसा 5 करोड़ बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। मुझे बाद में मत बताना ये क्या कर दिया,
आपने महिलाओं को पैसा दे दिया, वो आपके बीच में उनके बीच में। मेरा काम 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में 25 करोड़ लोगों को देने का है। मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला। हिंदुस्तान के जनता को कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, झूठ था, 3,60,000 रुपए की सच्चाई है। इससे हिंदुस्तान को फायदा होगा और न्याय मिलेगा। 5 साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय की सरकार चलाई, हम न्याय की सरकार चलाएंगे। अब चलिए थोड़ी किसानों की बात करते हैं। मैंने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी की बात की और मैंने आपसे कहा कि देखिए इनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ। ठीक है, कमलनाथ जी ने, गहलोत जी ने, बघेल जी ने 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर्जा माफी कर दी। मगर एक बात बची, एक बात बची, ताली मत बजाइए। कौन सी बात बची? नीरव मोदी कर्जा लिया, उसने वापस नहीं दिया। वो जेल के अंदर है या बाहर? अंदर, बाहर? बाहर। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, अंदर बाहर? अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, 30,000 करोड़ रुपए चोरी का पैसा, अंदर बाहर? ठीक है, अब अगर यहां का किसान, आप लाखों करोड़ रुपए छोड़िए, अगर यहां का किसान, रीवा का किसान 10,000 रुपए कर्जा लेता है और वापस नहीं देता, वो जेल के अंदर होता है या बाहर? अंदर। तो ये आपको बात सही लगती है क्या कि हिंदुस्तान के चोर जेल के बाहर, चौकीदार उनकी मदद करे और हिंदुस्तान के ईमानदार किसान जेल के अंदर? कांग्रेस पार्टी को यह बात अच्छी नहीं लगी, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी, रीवा की जनता को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो हमने कानून बदलने की बात की। मैनिफेस्टो में एक लाइन लिख दी है रीवा के किसानों, सुनिए। 2019 में चुनाव जीतने के बाद रीवा, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। एक लाइन, न्याय। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाए, तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी को जेल में डालो, उस चोर नीरव मोदी को जेल में डालो। उस दिन तक, जिस दिन तक वो बाहर घूमेंगे, उस दिन तक हिंदुस्तान का किसान भी जेल में नहीं मिलेगा, वो भी बाहर घूमेगा।